हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई टू स्टेट टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजी बोर्ड क्वार्टरली एग्जाम 2022-23। सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश, क्लास 7 का देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टोटल मार्क्स रहेंगे 50 और आवर्स मिलेंगे आपको 2 आवर्स मिलेंगे टाइम। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको 50 मार्क्स चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरा इसमें सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एंड टिक ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको। तो पहला है मनु वाज कवर्ड लीडी, तो फॉल्स हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका बी आता है, द फाइव फ्रेंड्स हैड नो मनी टू रिटर्न होम, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा आपका। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं आपको। डाउन द नॉर्थ साउथ वन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ लिटिल वुड, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका सेकंड आता है, द बुंदेला किंग्स मेड और सांची देयर कैपिटल। इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा आपका। तो पहला है, लोहरी सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ न्यू क्रॉप आ जाएगा। इसके बाद आता है, लक्ष्मीबाई टुक ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द होमोफोन्स 4, तो इसमें आ जाएगा आपका। हेयर है, एच ई ए आर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ई आर ई, हेयर की स्पेलिंग सही होती है। राइट लिखा है तो आर आई जी एच टी हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन वर्ड फॉर ईच, तो इसमें आ जाएगा आपका, ए मॉन्यूमेंट बिल्ड इन मेमोरी ऑफ शंबन हु डाइड शंभियर, तो इसमें आ जाएगा आपका सेनोटेफ। इसके बाद आता है आपका सेकंड, तो सेकंड आता है, वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन ए टॉम स्टोन, तो इसमें आ जाएगा आपका एपिटेफ। इसके बाद आपका अगला देखते हैं, क्वेश्चन 6 आता है आपका अगला, तो इसमें है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं, आई कम ये ब्लैंक है आपका, आर एंड टी ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बिटवीन आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड, सी वर्क एमोंग द पुअर आ जाएगा, इसमें एमोंग आएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 7th आता है, पंचलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, तो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, वंस विस्नी किस्टो गिट्टू एंड लंबू वन टू शी अ बल मेल इन अ स्कूल देयर देश शाम मैनी साइंस मॉडल मेड बाय स्टूडेंट विस्नी आस्क्ड व्हाट इज द मॉडल अबाउट किस्टो एक्सप्लेन दिस इज अबाउट अ वाटर पंप। इसके बाद आपका क्वेश्चन 8 आता है, इसके बाद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यूज अप्रोप्रिएबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। इसके बाद आता है आपका, सी वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड फॉर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, सी ऑलवेज एंग्री टू माय डिसीजंस। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ द करेक्ट फॉर्म्स, यहाँ पे आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विथ हर विथ द करेक्ट फॉर्म्स, तो टू बॉयज वर, तो इसमें प्ले दिया था, प्ले नहीं है, प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे वर enjoying आ जाएगा, enjoy नहीं लिखना आपको, their free time। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 आता है, give the opposite of, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन 10 आता है, give the opposite of, तो इसमें हो जाएगा आपका वाइल्ड का हो जाएगा आपका हॉट हाउस, इसके बाद आपका शार्प का हो जाएगा ब्लंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन 11 आता है, मैच द कॉलम अ ए विथ बी, तो इसमें आपको कॉलम मैच करनी है। तो आपका पहला है, द शिप ऑफ द डिजर्ट सेमेस्ट्री, इसके बाद आता है आपका फ्रिक्वेंटली, इसके बाद आता है गैलेक्सी, तो इसको आपको मैच करना है। इसके बाद आता है आपका आंसर क्वेश्चन 12 आता है आपका, क्वेश्चन 12वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3, आपको क्वेश्चन बतानी है, व्हाई विल द पुशी लाइक द चाइल्ड, इसके बाद आता है आपका, व्हाई आर द क्लाउड्स
prettier than boats and ships, boots and ships. How are the days in the south during January? इसके बाद आता है आपका What according to the poet is not good for the environment? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन Answer the following questions. Any 5 questions बताने हैं आपको. पहला है आपका Why did horse trainer and his wife decide to sell the horse? इसके बाद आपका सेकेंड आ जाएगा क्वेश्चन सेकेंड आ जाएगा Why were the student of class 7th happy? इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा Who built the building at Orchha? इसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा आता है What were लक्ष्मीबाई last words? पांचवा क्वेश्चन है आपका Why is the story called one way ticket? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद आपका क्वेश्चन 14 आता है राइट 8 लाइन ऑफ अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक से आपको पोएम की लाइन लिखनी है कुछ इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन आता है राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर प्रिंसिपल फॉर थ्री डेज ऑफ सिक लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है इसके बाद आपका 16 आता है राइट 5 लाइन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई की आप क्वालिटी बतानी है इसके बाद है आपका अगला 17 राइट अबाउट द होली सेलिब्रेशन इन द पैराग्राफ इसके बाद आपका 18 वाला क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड इसके बाद आपका ये है पैराग्राफ दिया गया है आपको जी फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो चलिए देखते हैं तो चलिए दोस्तों पैराग्राफ रीड करते हैं सराउंडेड बाय द विंध्या रेंज भीमबेटका केव लाई 46 किलोमीटर्स साउथ ऑफ भोपाल हियर है ये हियर पेंटिंग इन ओवर 500 कैप्स डेप्टी द क्लिफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक Caves, dealers painting are mainly in red and with the original use of green and yellow. इसके बाद है animals such as vision, tiger, lion, bear, elephant, dog, lizard, crocodile, etc. इसके बाद इसके questions हैं तो चलिए questions देख लेते हैं. How in भीमबेटका फ्रॉम भोपाल हुज इज लाइफ इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग इसके बाद आता है आपका अगला व्हाट आर द कलर्ड यूज्ड इन देयर पेंटिंग तो इसमें हमने देखी थी रेड ये ग्रीन देखिए यहाँ पे देखी थी रेड ग्रीन एंड येलो इसके बाद है आपका नेम द एनिमल्स सीन इन देयर पेंटिंग तो इसमें हमको दिए गए हैं ये नीचे यहाँ टाइगर लॉन इस प्रकार जी इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है व्हाट सो दैट द सेम रॉक सरफेस वाज यूज्ड अगेन एंड अगेन इसके बाद है आपका बी मैच द फॉलोइंग बताने आपको डांस डिपेक्ट ऑक्योर फ्रिक्वेंटली और सुपर इम्पोज इसके बाद है आपका तो ये था आपका क्लास 7th इंग्लिश का पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें क्वेश्चंस कवर किए गए हैं तो दोस्तों इसको आप एक बार पूरा सॉल्यूशन एक बार ज़रूर करें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे आप इसको पेपर क्वार्टरली एग्ज़ाम ही समझें इसमें आपको आप पूरा आपको हल करना है पूरा सॉल्यूशन करें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद